सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। मेदिनीनगर के सुदना वार्ड नंबर 14 के मिशन स्कूल के पास 4 इंच का सप्लाई पानी का कटा हुआ पाइप जोड़ने के लिए सुदना के दर्जनों महिला पुरुष उपायुक्त और आयुक्त को ज्ञापन सौंपे। मौके पर पूर्व वार्ड पार्षद मनोज सिंह और सिटी सिंह ने कहा कि पासवान टोला, भुइया टोला एवं फागसाव रोड का लगभग सभी चापानल डेड हो चुका है। मिशन स्कूल के पास कुछ दबंगों के द्वारा 4 इंच का पाइप सप्लाई का नया पाइप लाइन को काट कर अलग कर दिया गया है, जिसके कारण सप्लाई पानी कुछ वर्षों से नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मिशन स्कूल के पास पाइप लाइन को जोड़ देने से मोहल्ले वासियों को इस विषम पानी की समस्या से निजात मिल सकती है। उन्होंने उपायुक्त से अविलंब पाइप जोड़ने के लिए आग्रह किया है। मौके पर दर्जनों महिला पुरुष मौजूद थे। लेकर के आए हैं, ये समस्या पानी का समस्या है जो आबादगण के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। जो हरी जितने भी चापा कल थे वो तो 20 साल पुराना चापा कल है, जो आधा तो भसक चुका है और जो बचा हुआ ड्राई हो चुका है। ये ऐसा मैटर है कि आबादगण वार्ड नंबर 14 मिशन स्कूल गेट के पास जो पाइपलाइन गया और स्लम एरिया में जो पासवान टोला भुइया टोली को टच करता है, नया पाइपलाइन बिछा हुआ है, उस पाइपलाइन को डिस्क्रेडिट कर दिया गया है। ये बाद में मालूम चला तो हम लोग डीसी महोदय से अनुरोध करने आए हैं उस पाइपलाइन को जोड़ दिया जाए ताकि मोहल्ले वासियों को पानी मिले।